मेट्रो न्यूज लाइव के एडिटर इन चीफ रामेश्वर धाम दर्शन करने पहुंचे। अपने चैनल के माध्यम से बताया कि आप रामेश्वर धाम किस तरह से दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वर मंदिर के पीछे समुद्र में स्नान करने के बाद में उसके बाद आपको दर्शन मिलेगा। एडिटर इन चीफ विकास शर्मा के साथ में कई लोग मौजूद रहे और क्या कुछ बताए, आइए सुनते हैं। प्रणाम, और हम बानी आपके संगे और आप देखत नहीं हमरा संगे। और इस वक्त हम आयल बानी रामेश्वरम और हमारे भैया हुवन देखी और ये हमारे साथी हम लोग के भैया जवन का लेवल जाए बहुत कम पड़ी जो हमारे भाई है हमें। और देखी देखी एगो हमारे दूसर के तीसर के भैया गिरी बाबा और ये चौथा चौथा जनी गुलाबी गमछा में आवत आले बाहर उत्तर प्रदेश बाहर बिहार आई देखा था नहीं बड़ा मजा आवता रामेश्वरम चला तनी जा। और देखत रह गाइस हम आपके संगे हर वक्त मिलब और आप लोग बिल्कुल देखना ना भूलिए। और ये देखिए बहुत बढ़िया तस्वीर है, बहुत लोग भीड़ लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे भाई लोग हैं, ये देखिए बहुत अच्छा। और ये देखिए दरबार में दरबार का ये पूरा बड़ा सा बहुत बड़ा सा ये है गेट। ये दरबार यहीं से शुरुआत होती है मंदिर के अंदर जाने के लिए रामेश्वरम दर्शन। अभी हम लोग समुद्र में नहाया, समुद्र की भी तस्वीरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये ही देखना ना भूलिए हमारे साथ रामेश्वरम दर्शन। ये देखिए बड़ी भीड़ आई बटे। और एजिंग का मुख्य भाषा तमिल हुए जो उनकी तेलुगु में सब लोग बात करेला, लेकिन भोजपुरी और हिंदी वाले लोग बहुत कम बने लोग और बहुत कम है लोग। और ये देखिए बड़ी बहुत बड़ा दरबार जैसे काशी विश्वनाथ जी के दरबार बा वैसा ही, लेकिन ये देखिए बहुत बड़ा। देखिए तस्वीर कितना अच्छा लगा था। और हम जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम, यानी राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वरम है। और ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा भी है। और ये हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम आपको पीछे की बगल थोड़ा सा दिखा दूँ, आपको अच्छा लगेगा। और भी आपको ये देखिए तस्वीरें बहुत अच्छी है। और ये बहुत मज़ा है, बहुत मस्त है। और हमारे सब साथी लोग भी हम लोग के साथ हैं, मज़ा आ रहा है बहुत घूमने में। लेकिन आप भी देख लेना, बड़ा मज़ा आ रहा है रामेश्वरम में। ठंडी हवा लगा था ऐसे कि समुद्र का किनारे बन गया। और रामेश्वरम मंदिर जी का ठीक बगल में ही समुद्र हो, बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए हमन जना आइल बनी जाए जी, मज़ा आवता, बहुत मज़ा आवता। और सब साथी लोग भी हम लोग के बाटे संगे बनी जाए। और जन्माष्टमी का पावन अवसर पर हमन जाना एना पारी रामेश्वरम आइल बनी जा और मज़ा आवता। काहे से कि गाँव वाले सब लोग याद करत हुई कि एना पारी जैसे कि हर पूजा के आयोजक हम ही रहेला। ऐसे हम आप लोग से माफ़ी चाहब साथी, और सब लोग अपन अपने ख्याल रखब और हमारा भी ख्याल रखब आप लोग, ऐसे कि सब लोग मिल के गाँव वाला ढोल उठावा जा। हम साथ हैं और हम आप लोग के साथ दर्शन करके बस में बैठ के वापस मंडपम के लिए अब हम जा रहे हैं। मंडपम से ही हमने आया था और बहुत खुशी के बात बा कि आज बाबा भोलेनाथ के दर्शन भइल, महेश्वर नाथ के रामेश्वर नाथ के दर्शन भइल। और आप आई कहें से काशी विश्वनाथ विश्व के गुरु और एजिंग रामेश्वर नाथ, रामेश्वर राम प्लस ईश्वर रामेश्वर। तो यहीं तक हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। देखते रहिए हमारे साथ में एक ब्लॉग में, और हम जहाँ जहाँ जाएंगे आपको हर तस्वीरें दिखाएंगे। देखत रहिए हमारा संगे और हमारा ही साथी हुवन देखिए बैठल बने। और भैया सबके प्रणाम कर दें हमारे सभी दर्शक के, देखिए नमस्कार प्रणाम बा सब लोगों के। और ज़रूर आप लोग आएंगे, बिल्कुल ना भूलिए, जरूर रामेश्वरम में दर्शन करने आइए। जो मैं क्या बताऊँ दोस्त, जो मैं पहुँचा मंदिर में तो एक इस तरह का एनर्जी सामने आया, एनर्जी निकल के आया कि मैं खुद से उसको आप लोग के सामने क्या कहूँ। आप लोग भी आइए और एक बार देखिए कितनी बाबा भोलेनाथ में शक्ति है। और हम आशा करब कि आप लोग सब लोग ठीक हो, हमारे सब फ्रेंड सब साथी हमारे जितना पेज पे सब लोग पानी जाए, आप सब लोग ठीक हो और सब लोग हमारे संगे बनल रह जाए, ढेर सारा प्यार दे जा और प्यार दे जा, भाई विकास के पढ़ाई जा।
और आप लोगों के हम जरूर हर तस्वीर जहाँ जहाँ जाइला तहाँ तहाँ देखा देखते रही हम।